और मेरे साथ नई किसान नीति पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र पटेल और कांग्रेस से युवराज सिंह जडेजा मौजूद है। आप दोनों महानुभावों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे पधारे हैं। युवराज सिंह जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हितेंद्र जी आपसे, इस नए अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ गई देश, और ये जो तीन नए अध्यादेश आ रहे हैं इनमें ऐसी कौन सी बात है जिससे देश का किसान विरोध कर रहा है? पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृषि मंत्री जी ने दोनों हाउस में जो बिल लाए थे इसी के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए आज़ादी के 60-70 सालों से चल रहे पुराने बिल की वजह से गुजरात के किसान जो अपने आप को किसी फ्रेम में बंधे हुए महसूस कर रहे थे, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से तय कर लिया था तब से तो 3-4 बात किसानों की आय बढ़ाने में रुकावट कर रही थी, तो बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए थे। इसमें जो एपीएमसी एक्ट की बात थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को उचित दाम मिले ये प्रमुख आवश्यकता थी, और ये किसानों का भाव उसकी जो आय आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो पहला कदम था कि उनको ऋण कम इंटरेस्ट पे मिले, तो केंद्र की सरकार ने पूरे देश में तय कर दिया कि 4% से केंद्र सरकार सभी किसानों को 3 लाख तक का ऋण देगी। दूसरी बात थी किसानों को खातर जो बियारण वो अच्छी तरह से मिले, तो सरकार ने यूरिया खातर का जो प्रॉब्लम था उसमें नीम कोटेड करके इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री में जो यूरिया जाता था इसको रोकने का ठोस कदम उठाया। तीसरी बात थी उसको पानी मिले, तो पानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों से बंद जो लघु सिंचाई की योजना बंद पड़ी थी उसको चालू करने के लिए प्रयास किया। 50,000 की रकम लगा के जो सब योजनाओं का काम शुरू किया, आज 60-70 योजना पूरी होने वाली है, बहुत सारा एरिया इरीगेशन के अंदर आ रहे हैं। चौथी बात थी कि किसान इतनी मेहनत करके जो पार्क तैयार कर रहा है तो उसका उचित ऋण मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एपीएमसी में जाते थे तो जो एपीएमसी में जितने भी लाइसेंसी व्यापारी थे वो ही खरीदते थे, अगर माल ज्यादा आता था खरीदने वाले कम थे तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता था। दूसरी बात थी कि एपीएमसी एक्ट के जो प्रावधान थे उसमें ऐसा था कि लाइसेंसी होल्डर को ही जो माल किसान बेच सकता है बिचौलियों के मदद से ही बेच सकता है, तो इसमें लिमिटेशन आ जाती थी। ये बिल तो सर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? है कि किसान एपीएमसी में भी बेच सके, अपने घर से कोई निकासकार को, कोई प्रोसेसर को या कोई स्टोरेज करने वाला को घर से भी बेच सके, तो ये फेयर कंपटीशन होती है और किसानों को इसका उचित दाम मिलता है। सर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं जो देखो जो विरोध की पैटर्न है वो किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जिसको ऐसा लग रही है जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का बहुत बड़ा काम कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी किसानों के दिल में बस जाएगी, हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फट जाएगा। तो देखो ये हरियाणा और पंजाब में ही हो रहा है और हरियाणा और पंजाब के किसानों को उसको गलत समझा रहा है उन लोगों ने कि जो एमएसपी की बात है वो एमएसपी चली जाएगी। बात ऐसी है कि गेहूं की जब बात करें तो पूरे देश में वो दो ही स्टेट में से होती थी, 80% गेहूं पंजाब और हरियाणा से लिए जाते थे और वो भी मंडी में बिचौलियों के साथ लिए जा रहे थे। आज पंजाब में 28,000 बिचौलिया है और 80% 250 लाख क्विंटल गेहूं पंजाब और हरियाणा से सरकार ले रही थी और उसमें युवराज सिंह जी साथ में है कांग्रेस पार्टी से, कि सिर्फ किसान विरोध कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब में और कहीं विरोध हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में और आज हुआ कर्नाटक में, आप कह रहे हैं पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं पूरे देश के किसान?
नरेश भाई, पहली बात तो यह है कि जो तीनों के तीन जो बिल पास हुए हैं, जो कि शुरुआत में अध्यादेश रहे और अभी एक्ट बन चुके हैं, तीनों के तीन एक्ट किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, जरा भी नहीं है। इसमें एक बिल ये है कि किसान जहां मर्जी चाहे अपनी फसल बेच सकते, तो वो पहले भी बेचता था, इसके लिए नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब किसान कहीं भी फसल बेचने को जाएगा और बड़ी जो जायंट कंपनियां हमारे देश की, जो कॉरपोरेट्स, ये भाजपा के जो मित्र लोग हैं, उनको इसमें ये लाना चाहते हैं, और जब ये लोग आएंगे तो बाद में होगा ये कि एपीएमसी रहेगी ही नहीं, एपीएमसी व्यवस्था वो नष्ट उस दिन होगा कि मार्केट में ले वाले सिर्फ यही कंपनियां बची रहेगी उस दिन, जो अपने मन चाहे तरीके। अरे सर, लेकिन मंडियां तो रहेगी ना देश में, और बिहार देख चुके हैं नमूना, उसका नमूना हमने बिहार में देख चुके हैं। बिहार में अभी मंडी की व्यवस्था नहीं है, तो जो चीज जो पंजाब में धान समझो बिकता है 1800-2000 रुपए, वो बिहार में बिकता है 900-1000 रुपए, क्योंकि वहां मंडी की या एपीएमसी कह लो तो उसकी व्यवस्था नहीं है। जी, जो किसान की पर हेड इनकम जो है वो भी पंजाब में 18,000 के करीब है और बिहार में करीब वो 3,500 के करीब करीब है। तो ये जो हालत है वो पूरे देश की करने जा रहे हैं, मतलब किसान को जायंट्स कॉर्पोरेट्स के आगे फेंक रहे हैं चूसने के लिए, खून चूसने के लिए। अगर उनको, अगर बीजेपी को किसान के प्रति हित की बात है और उस किसान भला जैसा क्षेत्र कह रहे हैं, तो उनको जो कमी लगती थी एपीएमसी में, जो कमी लगती थी वो कमी एपीएमसी में वो दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एपीएमसी की कमी करने के बजाय ये पूरा काम एपीएमसी को हटाने का किया है। और दूसरी बात ये है कि अगर अगर ये एक्ट उनको अच्छा लगता, किसानों को भी अच्छा लगता, लेकिन एक ही बात वो जोड़ देते, सिर्फ एक बात जोड़ देते कि जो भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी खरीदार खरीदेगा किसान से, सर, वो कोई भी फसल से नीचे से नहीं खरीदा। अगर वो एमएसपी से नीचे से खरीदेगा तो उसके ऊपर कुछ कानूनन प्रावधान होने चाहिए थे। अरे लेकिन एमएसपी कहां खत्म कर दिया सरकार, और हर सरकार ने कौन सा अध्यादेश निकाला है, और भाजपा के जो सहयोगी हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टी है अकाली दल, उनकी लीडर और मंत्री श्री हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा इसी वजह से दिया है, और उसके अलावा भी भारतीय पूरे देश में जो भारतीय किसान संघ है तो वो भी यही चाहते। सर, गुजरात में कहां इस बात में, इस बात को जोड़ लिया जाए, आपने पूरे व्यक्ति को एमएसपी से खरीदे, और ऐसी जागरण मंच जो भी भाजपा की सहयोगी पार्टी रही है वो भी यही चाहती है कि वो ऐसा ही करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान का हित नहीं चाहती है, सिर्फ बातें बनाना जानती है। अगर सही है, युवराज सिंह को लगता है, युवराज सिंह जी एक मिनट, युवराज सिंह जी एक मिनट, तो सिर्फ ये बात को, युवराज सिंह जी मुझे बोलने दे, भी जो खरीदी हो रही है वो एमएसपी से नीचे ना हो। दूसरी जो बात है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये हितेंद्र भाई भी जानते होंगे कि 2 साल पहले गुजरात के अंदर पेप्सी कंपनी ने बनासकांठा अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट के 8 से 10 किसानों के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया था, उनका उनके ऊपर कोर्ट में केस दायर किया था। तो एक छोटा सर, मैं पूछ रहा हूं, पेप्सी जैसी बड़ी जायंट कंपनी के सामने कैसे लड़ेगा? एक युवराज सिंह जी बात है, युवराज सिंह जी एक बात, युवराज सिंह जी इसके लिए न्याय, युवराज सिंह जी मेरी बात कोर्ट के नहीं है, उसको सीएम के पास ही जाना है, तो वो कैसे न्याय पाएगा? और तीसरा जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो कि जो स्टॉक लिमिट होता है वो खत्म करती है। तो अगर स्टॉक लिमिट खत्म होता है तो उससे युवराज सिंह मेरी बात सुनिए, वो स्टॉक, मेरी बात सुनिए पहले, करेंगे युवराज सिंह, फायदा किसे भी मिलने वाला नहीं है। जी बोलिए, मैं ये पूछ रहा हूँ युवराज सिंह जी आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात नहीं लिखी गई थी? आपका घोषणा पत्र था उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी? अगर यही काम बीजेपी ने किया तो आप कैसे इसका विरोध कर सकते हैं? आपका घोषणा पत्र में क्या, कांग्रेस हमेशा किसान का भला चाहने वाली पार्टी है, किसान के पक्ष में रहने वाली ही पार्टी है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कांग्रेस ही, आज ये स्टॉक लिमिट हटाने का गुजरात में किसान विरोधी भी कर रही है, यही है कि अब वैसे नहीं, हालात नहीं रहे। तो आप गुजरात में किसान कहां विरोध कर रहे हैं?
गुजरात में भी गुजरात खेडूत समाज के जो लीडर हैं जयेश भाई पटेल, उन्होंने भी यही बताया है, वो भी विरोध कर जमीन पे भी कुछ दिखना चाहिए। जितेंद्र भाई ये कह रहे हैं पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब देखो कोरोना काल में चार आदमी को इकट्ठा होना, युवराज सिंह जी उनको बोलने दीजिए सर, युवराज सिंह जी जितेंद्र भाई को बोलने दीजिए। उन्होंने और जब किसान अपनी फसल फेंक रहा था ऐसे वक्त में जून में ये तीनों अध्यादेश लाए गए हैं और आज भी यही हालत है। हाँ जितेंद्र भाई, नरेश भाई जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं कर रहे हैं, बिचौलिए कर रहे हैं। देखो जहां जहां बिचौलियों की प्रथा ज्यादा है, नहीं ये हितेंद्र भाई बिल्कुल सलासर गलत बता रहा है सर, उनको बोलने दीजिए सर, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। पार्टी के मंत्री ने युवराज सिंह जी उनको बोलने दीजिए सर, पार्टी के मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर सर उनको बोलने तो दीजिए, ये किसान का अपमान करे, किसान को बिचौलिया बता रहे सर। अरे सर लेकिन मतलब क्या रह जाएगा, आप बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उनको बोलने दीजिए पहले सर, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ हितेंद्र भाई, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। युवराज सिंह फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि पूरे देश में उनकी जो मंशा थी वो हो नहीं रहा है। मैं फिर से बता, नहीं मुझे फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूँ, जो सत्य है जो सच्ची बातें हैं सर उनको बोलने तो देंगे कि नहीं देंगे? आप बोल रहे थे वो बीच में बोल रहे थे क्या? फिर डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा जब आवाज ही नहीं जाएगी क्लियर? तो जब वो मुझे फर्स्ट एड बता रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। आप जब बोल रहे थे वो थोड़ी बीच में बोल रहे थे, मुझे फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं, उनको बात करनी है उनको सर, लेकिन मैं डिबेट करवा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए आप। जी बोलिए। कांग्रेस का दोगला चरित्र, मुझे फर्स्ट एड बता रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? दोगला चरित्र कांग्रेस का है, आपने बताया कि देखो दोगला चरित्र आपका है, दोगला चरित्र आपका है। आपने 16 में एक ये प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की थी, उसका आज क्या हाल है वो बताओ। 2014 में आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि आप उनको जो खर्च पड़ता है उसके ऊपर 50% जोड़कर आप उनको दोगे, आपने दिया। अरे युवराज सिंह जी मेरी बात सुनेंगे सर आप? युवराज सिंह जी आपका 2010 से लेकर 2014 तक का डेटा क्या कहता है? कांग्रेस पार्टी का 2010 से लेके 2014 का डेटा क्या कहता है? के ऊपर बात कर रहे हैं, सुनना है सर, आप सुनने की भी आदत डालिए थोड़ी। 2010 में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, 2011 में 14,000, 2012 में 13,000, 2013 में 11,000। आपके और उनमें कोई ज्यादा बात नहीं है। 2010 से 2014 तक का ये आंकड़ा आपके पास है, तो 14 से आज तक का भी बता दिया आप। हाँ बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, 2014 से आज तक का भी बताएं। मैं बोल रहा हूँ 2015 में, 2015 में 12,000, 2000। अरे सर सुन, हमारे देश में खाने को धान नहीं था, जब हमारे देश में खाने को धान नहीं था और आज हम सर आप डिबेट को कहां लेके जा रहे हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात है, उसी मेरी बात सुनिए पहले। नरेश जी मैं आपको अपना, नरेश जी उनको बोलने दीजिए, उनके पास और कोई काम नहीं है। नहीं नहीं जितेंद्र भाई मैं उनको बता देता हूं, उन्होंने कहा 2015 का आंकड़ा, उन्होंने कहा 2015 का आंकड़ा, मैं बता देता हूं 2015 में 12,000 किसान जी पार्टी से, मैं भी सुनना चाहूंगा वो अध्यादेश के बारे में बात करें। यहाँ थोड़ा बहुत काम मिल गया तो उसको बोलने दीजिए, हम लोग सुन लेंगे। जितेंद्र भाई बोलिए, जितेंद्र भाई, जितेंद्र भाई बोलिए। जितेंद्र भाई अब मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, छोटी मोटी खेती बाड़ी भी मेरी भी है, मैं किसान ही हूँ। बोलिए जितेंद्र भाई जी, थोड़ा धैर्य रखिए, किस तरह से डिबेट चल रही है, तुम्हारा चरित्र यहाँ सब लोग देख रहे हैं, आज जब से आए तब से बंद ही नहीं होते बोलो, मुझे नहीं बोलना है। वक्त नहीं है राजनीति करने में, तो आप थक गए और जनता ने आपको कहीं के नहीं रखे। आप जितेंद्र भाई ये कह रहे जितेंद्र भाई ये बात करते हो कि 2019 के, अब देखो नरेश भाई अध्यादेश के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, वो उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं। जितेंद्र भाई आप अध्यादेश की बात कीजिए, चुप हो जाओ। हाँ क्या चुप चुप कर रहे हो? तुमको सुनने के लिए आए हैं यहाँ जितेंद्र भाई? आप विरोध करने की तमीज है कुछ? जितेंद्र भाई आप अध्यादेश पे बात कीजिए। ऐसे 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 लोगों से जिसको डिबेट की कोई तमीज नहीं है, बारिश बारिश ही बोलने का जिसके कोई सुकून नहीं है, ऐसे भाई आप मेरे ऊपर ऐसे आक्षेप ना करें, आप अध्यादेश के ऊपर बात करें। सर सर जुरी डिबेट सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, टाइम वेस्ट मत करें, व्यक्ति के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। उसको मेंटल प्रॉब्लम लगता है,
सर सर नहीं नहीं मुझे ऑडियो ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है उनको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है सर। आप अपनी बात रखिए, मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा फिर मजबूरी में। आप अपनी बात रखिए सर। नहीं आप हैंडल करो, आप सबसे आए तब से चुप ही नहीं रहे। नहीं नहीं मैं सर बोल रहा हूँ, तो आप अपनी बात रखिए। जी जी किस तरह से डिबेट होती है सर, मैं कह रहा हूँ बोलने का मौका मिल गया तो पूरा। सर उन बात को छोड़िए, उस बात को छोड़िए, ये कह रहे हैं सर, मेरी बात तो सुनिए सर, ये कह रहे हैं पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को प्राइवेटाइजेशन में आप बेच रहे हो, किसानों की जो एक स्थिति है उस स्थिति को और खराब होने वाली, ऐसा कांग्रेस पार्टी आप लगा रही है। आप देखो ये कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र है। एक बार 2013 में उन्होंने अजय माकन जी ने उनके राहुल गांधी जी के रूबरू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसमें बताया था कि देश में से महंगाई और भ्रष्टाचार कम करने के लिए हम एपीएमसी एक्ट में सुधार लाएंगे और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो लिमिट है उसको भी दूर करेंगे, ये उन्होंने बताया था, मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी बात वो उन्होंने नहीं किया, उसको तक नहीं मिली, लेकिन 19 के मैनिफेस्टो में 11 नंबर में उसने बताया कि एपीएमसी एक्ट में हम सुधार करेंगे और 21 में बताया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हम सुधार करेंगे। तो वो वही जो बोल रहे थे वही हमने किया है, और जो वो नहीं कर पाए हमने किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि देश के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम करने जा रही है, हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो चला जाएगा, आने वाले चुनाव में हम किस मुंह से किसानों के सामने जाएंगे, और इसीलिए ये जो जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं कर रहे हैं, बिचौलिए कर रहे हैं। एक दूसरी बात देखो, मैंने पहले बताया कि गेहूँ की जो MSP पर जो खरीदी है वो पूरे देश के 80% पंजाब करती है, पंजाब के जो आड़तिया है बिचौलिया वो 28,000 है, और उनको जो पैसा मिलने वाला 5,000 करोड़ की जो बिचौलियों की रकम उनकी चली जा रही है उसमें पॉलिटिकल एजेंट भी है, और उनको किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, बिचौलियों को तकलीफ है वो करवा रहे हैं। और तीसरी बात पंजाब को मैं बताता हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि को, पंजाब के उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने फेब्रुवरी में ये एक्ट में सुधार कर दिया है, आपको नहीं पता था केंद्र में, तो अभी अध्यादेश जब अध्यादेश आया था उसके बाद में उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया था, पंजाब के एपीएमसी एक्ट में सुधार हो गया था, तो अब क्या कर रहे हैं, पहले उनको पता नहीं था सर, लेकिन सर, मैं उनकी तरफ से सर बारे में जो समर्थन मिला उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनको डिबेट करने का भी प्रमाण बन नहीं रहता है सर जी। उनकी तरफ से मैं एक और सवाल ले लेता हूँ, आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है, आपका कहना है कि अभी कोई भी व्यक्ति किसी चीज को संग्रह तौर पर रख सकता है, कानूनन वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्या इसमें जमाखोरी नहीं बढ़ेगी आपको लगता है? अगर कोई इंसान ज्यादा वस्तुओं को अपने पास रखेगा तो जमाखोरी बढ़ने का आदेश नहीं है इसमें? नरेश जी इसमें ऐसा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1955 में, तब देश आयात करता था, उसके पास उनका खुद का अनाज नहीं था, देश विदेश से लाके खाकर लोगों को दे रहे थे, उसी टाइम कुछ बिचौलिए ट्रेडर्स उसका स्टॉक करते थे और उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत में बेच कर ब्लैक कर रहे थे, उस टाइम पे एक सही था और जरूरी था, लेकिन अब देश में अनाज की पूर्ति उपलब्धि है, हम निकास का देश बने हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 में देश की निकास 10 अरब डॉलर थी, आज 30 अरब डॉलर हो गई है, और देश दुनिया में 5वें नंबर का एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देश बन गया है, देश दुनिया में 5वें नंबर का बड़ा एग्रीकल्चर कॉमोडिटी एक्सपोर्ट देश बन गया है, देश में पूरी तरह से ये जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी उपलब्ध है और अब उसकी जरूरत नहीं, उसका फायदा ये है कि किसी भी प्रोसेसर को, किसी भी एक्सपोर्टर को और किसी भी स्टॉकिस्ट को अगर ये लिमिट हटाने से उनके पूरे साल में, अगर कोई ऑयल मिलर है उनको तेल बनाने के लिए जितनी मूंगफली चाहिए वो सीजन में खरीद सके, उसको स्टॉक मिल भी नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, अगर कोई पल्सिस मिल है तो उसको जितने भी दाल बनानी है पूरे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिना स्टॉक लिमिट की वजह से किसानों को बिकाई के टाइम पूरे और उचित दाम मिल सकते हैं, और ये स्टॉक लिमिट वाला मामला कोई भी गड़बड़ करने वाला नहीं है, जो भी अध्यादेश लाए गए हैं देश के किसानों के हित में है, किसानों की ओर से और हमारी पार्टी किसान मोर्चा की ओर से
मैं धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का, किशन सिंह जी का, कृषि मंत्री सिंह जी का, कि आने वाले दिनों में देश की कृषि में और कृषि कार्यों में बड़ी क्रांति होने वाली है, देश की आबादी बिल्कुल बढ़ने वाली है और किसानों की आय दोगुनी होने वाली है। युवराज सिंह जी, युवराज सिंह जी, युवराज सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का है उसमें जो इन्होंने संशोधन किया है इस देश के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका आरोप यह है कि किसानों में कांग्रेस अपना राजनीतिकरण कर रही है। जी सबसे पहले तो मैं हितेंद्र भाई को धन्यवाद करना चाहता हूं तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने ये बात का स्वीकार किया कि जब ये एक्ट आया था तब हमारे देश के अंदर खाने के लिए दाना नहीं था, हम बाहर से लाते थे और आज ये हालात नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया। मैं उस बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात अब ये है कि ये यहाँ जो ये अध्यादेश की बात है ये किसानों के हित को जोड़कर देखा जा रहा है, तो जो ये स्टॉक लिमिट है वो हटाए जाएंगे तो उससे किसान का कैसे फायदा होगा? जो व्यापारी है वो अपना ही मुनाफा देखते हैं, तो जब जो अपना स्टॉक बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा रेट से ज्यादा मुनाफा करके फिर मार्केट में बेचेंगे, उसके साथ खेडूत का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये खेडूत के हित में किसी भी तरह से नहीं है। और अगर उन्होंने कई पुरानी बातें भी कही तो एक सुषमा जी का वीडियो मैंने भी देखा है, शायद आपके पास भी होगा, जब इसमें ये कह रही है कि देश में ये कॉरपोरेट जगत की कंपनियां आएगी तो किसान का अहित होगा, अगर ये आती है तो वो किसान का सबसे अच्छा मित्र है, ऐसा उन्हीं की पार्टी के सुषमा जी का एक वीडियो है, शायद उन्होंने भी देखा होगा। अगर ये अध्यादेश और ये एक्ट जो है ये पूरी तरह से किसान के हित में है, किसान के लाभ में है, तो उनकी ही सहयोगी पार्टी के लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? हरसिमरत कौर ने इस्तीफा क्यों दिया? भारतीय किसान संघ उसके खिलाफ में क्यों? मैं सवाल लेता हूं सर, एक स्वदेशी जागरण उसके खिलाफ में क्यों है? अगर वो अपने सहयोगी को ये बात नहीं समझा सकते और बाकी सारे किसान जो इस बात के खिलाफ बोलते हैं उनको वो व्यापारी चोलिया कुछ भी कहते हैं, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी को ये है कि इनको कोई भी सवाल करे तो ये देशद्रोही हो जाता है, ये चाहते हैं कि सवाल ना करें, ये जो सवाल है पूरे देश में होता रहे, बस ये चाहते हैं। सर समय कम है, मैं एक सवाल ले लेता हूं। जितेंद्र जी आपसे एक सवाल है, केंद्र सरकार के कृषि सांख्यिकी 2016 के अनुसार गुजरात के किसान की मासिक आय 7,226 रुपया है 2016 के अनुसार, जो कि पंजाब के किसानों की मासिक आय 18,000 रुपए है और हरियाणा के किसानों की मासिक आय 54% ज्यादा है। आप गुजरात से हैं, क्या ये आप बिहार में मंडी नहीं, वो भी जोड़ लीजिए, मासिक आय होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए हरियाणा और पंजाब के मुकाबले? देखो पहले युवराज सिंह जी की बात का जवाब दे दूं, हरसिमरत कौर जी ने मंत्रिमंडल में से इस्तीफा दिया है, अकाली दल हमारे साथ है और रहेगा, वो ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, कोई बात होगी कोई मनमुटाव होगा तो हम आपसी बैठ के उसको सुझाव कर देंगे। लेकिन मैं युवराज सिंह जी को ये पूछता हूँ कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में पार्टी के वरिष्ठ 23 लोगों ने मांग की है कि चुनाव हो, एक ही परिवार में से पार्टी निकले, तो क्या ये आप सुलझाओगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, ये सरकार आपने 3-4 बनाई थी गलत वादे करके कि हम ऋण माफी कर देंगे, करा नहीं, दूसरा वादा किया था कि युवाओं को, मैंने भी सवाल पूछा है, मैंने भी सवाल पूछा है, देंगे, किया नहीं, तो राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलती से सरकार को बनाया। देखो अब हितेंद्र भाई आप बात कर रहे हैं, सर समय कम है, सर हमारे पास 5 मिनट है, काम कर रहे हैं, सचिन पायलट जी ने जो किया सर, हितेंद्र भाई और कांग्रेस की बात कर, आपके कितने हितेंद्र भाई आप 1000 करोड़ हितेंद्र भाई आप इससे बातें करोगे तो और भारतीय जनता पार्टी से किसान का ऋण माफ करने के विरोधी रही है, ये नरेंद्र भाई मोदी सर एक मिनट, तब हुआ था जब गुजरात के ये बिजली के जो दर हैं ये प्रति हॉर्स पावर 500 रुपया, लेकिन जब नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम हुए तब उसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी, और 2014 में उन्होंने 100% उनका जो खर्चा पड़ा उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ के देने का किसान को वादा किया था, और
फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल का जवाब दे ये हम नहीं समय से बात ये दोगुना चेहरा उनका है ये बोलते कुछ है और करते जनता ऐसे नहीं हो ऐसे सर कांग्रेस ने किसान के हित में हमेशा से कदम हर कदम लिया है और किसान का ऋण माफ करने की बात है तो उन्होंने सर एक मिनट रुपए का एक मिनट सर रुकना चाहिए समय माफ किया था और जब जब भी किसान ने अपने ऋण माफी की बात कही है तब भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में रही है और उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकारें नहीं थी तब उन्होंने यही बात का वादा भी किया था। सर मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने उनसे सवाल पूछा है, उनसे जवाब ले लो। सर मैंने आपको जी मैंने हितेंद्र भाई से सवाल पूछा था, जवाब आप दे रहे हैं। सर सरकार को चला रहे जवाब आप क्यों दे रहे हो? हितेंद्र भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुजरात के किसान की मासिक आय कम होने की क्या वजह है? उन्होंने पूछा कांग्रेस क्या है वो मैंने बताया। एक मिनट आप बीच में मत बोलिए हितेंद्र भाई, आप सीधा जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, 5 मिनट अभी रह गई है। मासिक आय गुजरात के किसान की कम क्यों है? देखो किसान जो किसानी है ना वो सबसे टफ जॉब है और इसमें जो उसकी लैंड जो है जमीन की उसकी स्थिति क्या है, पानी के कितने स्रोत है और किसानी जो एटमोस्फियर कैसा है, सब मिला के किसानी होती है। किसी भी तरह से पूरे देश में देश के सभी किसानों को सभी तरह की फैसिलिटी दी जाए लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से उसकी जमीन की परत की वजह से और इसमें जो पानी है कैनाल का पानी है सरफेस वाटर है ड्रिप इरिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उन सब वजह इन सब की वजह से और कौन सा क्रॉप हो रहा है। समझो कि ये महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो खेती हो रही है उसमें मुनाफा ज़्यादा है, ये सौराष्ट्र में ग्राउंडनट और कॉटन की जो किसानी हो रही है उसमें मुनाफा ज़्यादा है, उत्तर गुजरात में जो सिर्फ धान की खेती हो रही है तो उसमें मुनाफा कम है। तो प्रदेश प्रदेश में जो स्थिति है वो उसकी ज्योग्राफिकली और एटमोस्फियरली जो स्थिति होती है इसके हिसाब से उसकी किसानी होती हो, इसके हिसाब से इसके दाम कम ज़्यादा उसकी आय कम ज़्यादा हो सकती है। तो मतलब आपको लग रहा है नए बिल से गुजरात के किसानों को फायदा होगा? नहीं गुजरात को नहीं पूरे देश के किसानों को इसीलिए पूरे देश के किसानों को फायदा हो। युवराज सिंह जी आपके पास 2 मिनट है सर, आप अपना पक्ष ये बिल से जो बड़ी कंपनियां हैं सिर्फ उनको फायदा होने वाला है, इनसे किसानों को किसी तरह से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि पूरा उल्टा होने वाला है कि जब एपीएमसी ही नहीं रहेगी तब क्या होगा, तब यही कंपनियां अपने जो जैसे चाहेगी वैसे किसान के साथ बर्ताव करेगी। जो कॉर्पोरेट्स उसमें आएंगे इस किसानी में आएंगे तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे तो गुजरात का पुराना एक एग्जांपल है जो पेप्सी ने संपर्क नहीं हो पा रहा है युवराज सिंह जी। हितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया सर आपने अपना समय दिया। तब तो कोई नहीं होगी जब हारेंगे तब भी कंपनियां सारा दोष खेडूत के ऊपर मल के चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हितेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आप दोनों महानुभाव ने अपना वक्त दिया, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया सर।